येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी देशातील शिक्षणाची आणि लहान मुलांच्या वेगवेगळ्या अपेक्षांची अवस्था काय आहे या संदर्भात क्राय या संस्थेने देशभरात फिरवून एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालामध्ये वेगवेगळं चित्र मांडण्यात आलेलं आहे. त्या अहवालासाठी देशभरात फिरलेल्या अनुजा मॅडम ह्या आपल्यासोबत आहेत. आज आपण त्यांच्याशीच संवाद साधणार आहोत. क्राय आपने देशभर में क्या क्या सर्वे किया और उसके बारे में क्या रिजल्ट आपके सामने आए? हमने लगभग 1000 बच्चों के साथ प्रक्रिया की. हमारे जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं वहाँ पे बच्चों के साथ बात की और हर एक बच्चे ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उन्होंने सरकार से क्या आकांक्षा है, उनकी क्या अपेक्षा है अभी सरकार से, उसके बारे में बातें की. हमने उस सबको इकट्ठा किया और फिर ये रिपोर्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें एक साथ दिखाई. सो अराउंड 1000 बच्चे हमने देशभर में 17 स्टेट्स से बात की. शिक्षा के बारे में क्या क्या सवाल सामने आया और आपको क्या सुझाव देना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए? हम तो सुझाव देते रहते हैं पर इस बार हमने बच्चों से ये चीज मांगी कि हम बच्चों की अपेक्षा जानना चाहते हैं. तो बच्चों ने कहा कि कई जगह हमारे पास टॉयलेट्स है तो उसमें पानी नहीं है, टॉयलेट्स चल नहीं रहे हैं. कई जगह स्कूल इतने अंदर है कि उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है कि वो स्कूल की तरफ जा सके. कई बार स्कूल है तो शिक्षक नहीं है. तो ऐसी सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के द्वारा बच्चों ने हमें पब्लिश किया है. देशभरातील शाळांमध्ये शाळा आहेत तर शिक्षक नाहीत, शिक्षक नाहीत तर विषयाचे तज्ज्ञ शिक्षक नाही आहेत, अनेक ठिकाणी शौचालय नाही, शाळांची प्रचंड दुरावस्था आहे, असं एक चित्र मुलांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून या क्रायच्या संस्थेच्या अहवालात मांडलेलं आहे. त्या संदर्भात क्रायने नुकताच हा अहवाल प्रसिद्ध केलेला आहे आणि देशातील वास्तव समोर आणलेला आहे. संजीव भागवत, ETV भारत, मुंबई.